देखिए ये तस्वीरें तो खास आ ही रही हैं अयोध्या से, और ये बताती हैं कि कैसे आज उत्साह उमंग भरपूर नजर आ रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और चलिए इसीलिए इसमें थोड़ा सा और हम यहाँ से भी जो है वो और आनंद अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं। रेणुका पवार हमारे साथ यहाँ पर हैं, और यकीनन आपने भी आज के लिए खास तैयारी की होगी। रेणुका, आप हमारे दर्शकों को आज क्या सुनाएंगे? पहले तो जय श्री राम सभी को। और आज का तो जो दिन है वो हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज का दिन सिर्फ यहीं तक रहकर ना रुके। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी एज के जो भी युवा है वो हमेशा इस भक्ति भाव को अपने जीवन में रखें। और मैंने अभी एक भजन भी किया है श्री राम जी के लिए, तो मैं आपको सुनाती हूँ। श्री राम अयोध्या रहे, संग जान की कोला रहे, हनुमत जी के संग लखन गुण राम जी के गा रहे। ये निशानी है शुभ कर्म की, केसरिया रंग फहरा रहा, ये जीत सनातन धर्म की, हर घर भगवा लहरा रहा। फूलों से सज रहा है रघुवर का अयोध्या धाम। श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मच धूम प्रभु के काज की, बरसों से आस थी आज की, पुनः स्थापना हो रही श्री राम जी के की। बाल वृद्ध नारी नर सब बस राम जयकारे बोल रहे, है खुशी बड़ी अनमोल, ये आंखों से आंसू बोल रहे। राम मंदिर के दर्शन का करना ये शुभ काम श्री राम। बहुत ही सुंदर यहाँ पर, और मैं आपको सीधे अब अयोध्या धाम लेकर चलूंगी। देखिए अभी जो सबके मन का भाव है वो यही है कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, यही मेरा ठिकाना हो। और हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद, उनका तो करीब पिछले 10 दिन से ठिकाना यही अयोध्या धाम है। फिलहाल राम की पैड़ी पर अखिलेश आनंद मौजूद है और पूरी तरीके से राममय भक्तिमय भाव में भरे हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश बिल्कुल रोमाना, आप सोचिए जरा, वहां पर जब आप इतनी उत्साहित थे स्टूडियो में, आप सोचिए प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में जो लोग आज खुद मौजूद हैं किस कदर खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे होंगे। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सो दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, हर तरफ अयोध्या में यही गूंज सुनाई पड़ रही है। मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं, सरयू घाट का किनारा है, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी यहां भी आए सरयू में डुबकी लगाने के लिए। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी यहां पर देखिए राम की पैड़ी पर क्या माहौल है, 6 डिग्री का तापमान, आप सोचिए कड़ाके की ठंड, कई लेयर के कपड़े में लोग अभी ढके हुए हैं, और यहां राम भक्तों का उत्साह जरा देखिए, इस ठंडे पानी में भी वो डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और सरयू का जो ये प्रवाह है ना रोमाना, इसे 500 सालों से राम भक्तों के साथ साथ इंतजार था कि कब यहां पर रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बने। आज की सुबह कई मायनों में खास है, आज की सुबह का इंतजार 500 सालों से करोड़ों राम भक्तों को था, और आखिरकार उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार चल रहा है, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल राम की पैड़ी का जरा उत्साह देखिए, राम की पैड़ी पर मौजूद लोगों का उत्साह देखिए, इतनी ठंड है आप सोचिए, हम लोगों ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई लेयर कपड़े पहने हुए हैं, शॉल तक हमने ओढ़ा है, उसके बावजूद ठंड लग रही है। और ये जो भक्तगण हैं इस कड़कड़ाती ठंड में यूं डुबकी लगा रहे हैं, ये आस्था का, ये तो आस्था, ये आस्था की डुबकी है अखिलेश, ये आस्था से ताकत मिल रही है, आस्था से संबल मिल रहा है, और इसीलिए तो एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। ABP News आपको रखे आगे।